हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे जैपनीज इंसेफेलाइटिस के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करनी है तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा, या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। जैपनीज इंसेफेलाइटिस क्या है? जैपनीज इंसेफेलाइटिस, या शॉर्ट में इसको जेई बोलते हैं, ये एक मच्छर से होने वाली बीमारी है। मच्छर के काटने से और भी बहुत बीमारियां हैं, उनको भी हम अलग अलग करके स्टडी कर ही रहे हैं। मलेरिया के बारे में ऑलरेडी एक लेक्चर आ चुका है। एक और बीमारी जो मलेरिया मच्छर के काटने से हो रही है वो है जैपनीज एनसेफेलाइटिस। यह एक वायरल डिजीज है जो वेक्टर मच्छर से फैलती है। और वो वायरस क्या है? ये बी अरबो वायरस समूह का फ्लेवी वायरस है, और यह क्यूलिसिन या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। और आपको पता ही होगा मलेरिया किससे हो रहा है, कौन से मच्छर के काटने से होता है? एनोफ्लीज के काटने से। ठीक है, तो क्यूलेक्स के काटने से और भी बहुत बीमारियां हैं, एक बीमारी है जैपनीज एंसेफेलाइटिस। जैपनीज एंसेफेलाइटिस एशिया और जो वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज है उसमें एंसेफेलाइटिस का मेन कारण है, और लगभग 24 एशियाई और वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज में ये होता है। भारत में जेई की पहचान 1955 में तमिलनाडु में हुई थी, और उसके बाद बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के जैपनीज एंसेफेलाइटिस होता है। लगभग 18 राज्य इस बीमारी से नॉर्मली ग्रस्त होते हैं, वहां पर ये एंडेमिक हो गई है। और मुख्य जो प्रभावित राज्य हैं उनमें असम, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, ये सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। अब हम देखते हैं साइन और सिम्टम्स क्या होंगे। तो ज्यादातर जो केसेस हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, बट जब सिम्टम्स आते हैं तो भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मुख्य रूप से सिम्टम्स के आधार पर इसको हम तीन स्टेजेस में डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं: प्रोड्रोमल स्टेज, एक्यूट एनसीफेलाइटिक स्टेज और लेट स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज क्या है? प्रोड्रोमल स्टेज इनिशियल स्टेज होती है, और इसमें शुरुआत होती है बुखार, सरदर्द, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल गड़बड़ी मतलब डायरिया वगैरह हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, सुस्ती और ऐसे एक अस्वस्थता रहती है कि बीमार सा है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मेलेज। यह अवस्था 1 से 6 दिनों तक रह सकती है। इसके बाद एनसेफेलाइटिक स्टेज आ जाती है। एनसेफेलाइटिक स्टेज क्या होती है कि जब ब्रेन से संबंधित लक्षण आते हैं, जिसमें तेज बुखार, गर्दन का अकड़ जाना या न्यूकल रिजिडिटी, कन्वल्जन्स मतलब दौरे आना, और डिफिकल्टी इन स्पीकिंग बोलने में कठिनाई होती है। ओक्युलर पाल्सीज हो सकती है, हेमिप्लेजिया हो सकता है, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, कोरस ट्रेमर्स हो सकते हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तीसरी स्टेज होती है जब लेट स्टेज जिसको बोलते हैं, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, या तो व्यक्ति ठीक रिकवर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब रिकवर शुरू होता है तो एक्टिव इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है, और न्यूरोलॉजिकल जो लक्षण हैं वो या तो स्थिर हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, या उसमें सुधार होने लगता है। कन्वर्सेंस का जो पीरियड है वो प्रोलोंग्ड यानी लंबा हो सकता है, और जो रेजिड्यूअल न्यूरोलॉजिकल जो लक्षण है वो काफी समय तक रह सकते हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। परंतु केस फैटेलिटी भी काफी ज्यादा है, लगभग 20 से 40% इसकी केस फैटेलिटी है, यानी डेथ हो सकती है कॉम्प्लिकेशन होने के बाद। और एवरेज पीरियड जो ऑनसेट ऑफ द इलनेस और डेथ है वो केवल 9 डेज है, यानी अगर डेथ होनी है तो 9 to 10 डेज में डेथ हो जाती है। तो काफी खतरनाक पोजिशन है इस बीमारी की, क्योंकि जितना जिस बीमारी की केस फेटेलिटी रेट ज्यादा होगी उतना ही वो गंभीर होगा। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? वैसे तो लक्षणों के आधार पे पता लग ही सकता है, पर फिर कंफर्म डायग्नोसिस करने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। जेई का जो डायग्नोसिस है मुख्य रूप से आईजीएम कैप्चर एलिजा का उपयोग करते हैं, और सीरोलॉजी के ऊपर ही आधारित होता है। सीएसएफ या ब्लड में 7 दिन के भीतर हम एंटीबॉडी चेक कर सकते हैं, पता लगा लेते हैं आईजीएम एंटीबॉडी। ट्रीटमेंट क्या होगा? आप सब जानते हैं जैसे वायरल डिजीज है तो उसका स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, नॉर्मली वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, परंतु सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है ताकि मरीज को लक्षणों से कुछ राहत मिले।
इसके अलावा रेस्ट और पर्याप्त आराम रोगी को करवाया जाता है। एंटीपायरेटिक मेडिसिंस दे सकते हैं बुखार के लिए, बॉडी एक है तो पेन किलर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जो मुख्य ध्यान दिया जाता है वो रोग के फैलने से रोकने के लिए किया जाता है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान दिया जाता है। तो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो मुख्य हथियार है हमारे पास वो है वैक्सीनेशन। जेई का वैक्सीनेशन अवेलेबल है तो जो भी हाई रिस्क पॉपुलेशन है उसको जेई का वैक्सीनेशन दिया जाता है। वर्तमान में जेई के जो छोटे बच्चों को इंजेक्शन लग रहे हैं वो प्राइमरी खुराक है 9वें महीने पे पहली और 16वें महीने पे दूसरी। ये जो डोज है वो 0.5 ml लेफ्ट अपर आर्म पर दी जाती है, यहाँ पे देंगे। इसके अलावा बूस्टर डोज भी इसकी दी जाती है, तो बूस्टर डोज सेकेंड डोज की 1 वर्ष के बाद और बाद में हर 3 साल बाद 10 से 15 वर्ष की उम्र तक दिए जाते हैं। और ये डिपेंडिंग अपॉन की रिस्क कितना है, हाई रिस्क पॉपुलेशन को ये दिया जाता है। 3 साल से कम बच्चों को इसकी डोज जाएगी 0.5 ml, बट उससे बड़े अगर बच्चे हैं तो उनको 1 ml की डोज देनी, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है वैक्सीनेशन करते समय। और ये वैक्सीनेशन सबक्यूटेनियस जाएगा। दूसरी खुराक के लगभग 1 महीने के बाद से इम्यूनिटी डेवलप होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके अलावा वेक्टर कंट्रोल, ये भी एक प्रिवेंशन का महत्वपूर्ण इलाज है। वेक्टर कंट्रोल के लिए मच्छर जो हैं इसके स्केटर्ड होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए काफी डिफिकल्टी होती है, काफी मेहनत करनी पड़ती है। और उनसे निपटने का एक प्रभावी तरीका है अल्ट्रा लो वॉल्यूम कीटनाशक का छिड़काव, जिसे मेलाथियोन और फेनिट्रोथियोन, इसका एरियल या ग्राउंड फॉगिंग करते हैं। सभी गांवों में जहां रिपोर्टिंग है इस बीमारी की उनमें इंडोर रेजिडुअल स्प्रे भी किया जाता है। इन गांवों में जहां भी मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं वहां पर, और जहां पे पशु बांधते हैं वहां पर, और इवन आसपास के जो वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वहां सब जगह इसको छिड़काव किया जाना चाहिए। जो भी इन्फेक्टेड विलेज है उसके 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में अनइफेक्टेड विलेज हैं वहां पर भी छिड़काव किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य उपायों में मच्छर भगाने वाली कॉइल, मच्छरदानी क्रीम का उपयोग कर सकते हैं, मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस को रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, लोगों को हेल्थ एजुकेशन दिया जाए कि कैसे हम बीमारियों को होने से रोक सकते हैं, वो भी एक प्रभावी तरीका रहता है प्रिवेंशन। तो ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। फेसबुक पेज इसको लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें ब्लॉग्स mynursingstudents.blogspot.com। ट्विटर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।